दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट के सभागार में सभी प्रमुख अधिकारियों की हुई बैठक, महत्वपूर्ण हुई चर्चाएं। सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा का जन्मदिन मनाया गया धूमधाम से। उनके चाहने वालों ने दी बधाई और शुभकामनाएं। और नगर की सड़कों पर दिन भर में लगता है कई बार जाम। क्रीमोल्ला क्षेत्र में बड़े वाहनों के कारण आवागमन हुआ अवरुद्ध, परेशान होती है आवाम। कलेक्ट्रेट के सभागार में आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर योगेश भरसक मौजूद रहे। अभी सर हमारे पास सिविल लाइन क्षेत्र ग्रामीण तहसील के पास बारिश में एक पेड़ धराशायी होकर गिर गया था। 3 दिन से पड़े वृक्ष को अभी तक नहीं हटाया गया, जिसके चलते आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। पटवारी, तहसीलदार और अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल के सामने ग्राउंड 5 बता रहा हूँ, दिखवा लेता हूँ। मैं सोच रहा था पोस्ट को बता दूँ। और सुनो, ये तहसील दिशा में हूँ मैं। ये पेड़ कब गिरा पड़ा हुआ? 3 दिन हो गए सर। कैसे गिरा था ये पेड़? ये पानी की वजह से। पानी से तो इसको हटाया नहीं गया अभी तक? हटाया नहीं गया और लोगों से मैंने कहा भी पर नहीं सुनवाई हुई। अच्छा, अब इससे क्या परेशानी हो रही है? परेशानी पब्लिक को परेशानी हो रही है, क्लाइंटों को परेशानी हो रही है। तो सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा के जन्मदिन पर उनके चाहने वालों ने उन्हें लंबी उम्र की बधाई और शुभकामनाएं दी। नेशनल कैप्सूल के नए कार्यालय का शुभारंभ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन द्वारा फीता काट कर किया गया। नगर के वरिष्ठ और गणमान्य शामिल रहे। सांसद जी के प्रतिनिधि जिनको शहर संभालने की जिम्मेदारी सांसद जी ने दी है, आदरणीय राकेश शर्मा जी का जन्मदिन है। साथ ही हमारे साथी आदरणीय नीलेश महाराज जो प्यार से सब इंजन को महाराज के थे, उनका भी जन्मदिन है। सभी साथी मिलकर बड़े प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ जन्म उत्सव दोनों का मना रहे हैं। ये दीर्घायु हों, यशस्वी हों, भगवान की कृपा, श्री भाड़ वाले गणेश जी की कृपा दोनों पर बनी रहे और दोनों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही प्रभु से कामना की। पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देने वाले 7 पुलिस कर्मियों का कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्हें विदाई दी गई। एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने उन्हें विदाई दी। उनके परिजन
और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समस्त स्टाफ का मैं स्वागत करता हूँ। डीएसपी अजय सर, डीएसपी महिला सर, सीएसपी सर, शहर के सभी थाना प्रभारी गण, आज हमारे बीच से अपनी अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने जा रहे अधिकारी श्री निरीक्षक श्री अनिरुद्ध कुमार पांडे साहब, उप निरीक्षक श्री सुरेश कुमार तिवारी साहब, उप पांडे जी इस तरफ खड़े हो जाओ, इस साइड आपके पास जी। जिला पंचायत के सभागार में नीति आयोग से संबंधित शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जिले भर के वरिष्ठ शिक्षक गण मौजूद रहे। वहीं बच्चों की पढ़ाई को लेकर विचारणीय चर्चा हुई। बच्चों को किस तरह से शिक्षा देना है पर फोकस हुआ। जंगल में रहते थे, शेर जाल में फंस गया, इसको हम लिखेंगे और बच्चों से कहेंगे, क्योंकि बोर्ड पर नहीं लिखना है हमें, तो अभ्यास पुस्तिका मिलेगी तो हम बच्चों को बताएंगे कि उस अभ्यास पुस्तिका में ये प्रश्न दिए हैं, आप इसको देखें। इसमें बच्चे को शुद्ध उच्चारण करके आप इसके फोल्डिंग का प्रयोग उसमें भी करना है, आई डू, वी डू, यू डू। धारा प्रवाह पठन का आशय है कि सबसे पहले हम बच्चे को शुद्ध रूप में और लय के साथ, जहां पूर्ण विराम। बेतवा नदी के तट पर स्थित श्री हनुमान दादा के मंदिर के पास ग्यारस के अवसर पर सीताराम के भजनों का आयोजन हुआ। देवशयनी ग्यारस पर राम कीर्तन में धर्म प्रेमी जन शामिल रहे। नाम है शर्मा जी, ये कौन सा स्थान है और क्या आयोजन चल रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर गुंडा घाट बोलता है, ये बड़वाला घाट शनि महाराज के यहाँ पर ये सीताराम कीर्तन हो रहा है और ये 24 घंटा चलता है और प्रति ग्यारस होता है, हवन भी होता है, हवन और हवन भी होता है साथ साथ में। क्या उद्देश्य क्या है इसका? कुछ नहीं, भगवान की कृपा, सब आशीर्वाद बना रहे सब लोगों का। यहाँ भगवान पेत्रमती मैया की शुद्ध में 11 को सीताराम होती है 24 घंटा, और हनुमान जी अपने कुल वाले उनका सबका आशीर्वाद है, जी सतत को बेतवा मैया का आशीर्वाद है सबको। शहर की मेन रोड पहुँच मारकरी मोहल्ला क्षेत्र बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने गोपाल ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ बड़े वाहनों के कारण दिन भर में कई बार जाम की स्थिति निर्मित होने से आवागमन अवरुद्ध होता है। वाहनों के फंसने के कारण लोगों की परेशानियाँ देखी जा सकती हैं। यहाँ कहीं भी यातायात पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आते। देखिए आप यहाँ की आवागमन की स्थिति, बढ़ते मशीनरी युग के दुष्प्रभाव का नजारा, जाम के कारण लोगों को अपना रास्ता भी बदलना पड़ता है। देखिए आप।
ये कौन सा मोहल्ला है? ये गरीब मोहल्ला। क्या स्थिति क्या है यहाँ की? स्थिति बहुत गंभीर है जगह, देखो ना। ये कब कब स्थिति पैदा होती है ऐसी? हमेशा। अच्छा अच्छा, ट्रैफिक पुलिस आती है नज़र कहीं? ट्रैफिक पुलिस आती नहीं? आती नहीं आती। ये किसके कारण होता है जाम? किसके कारण लगता है? जनता कारण, दुकानों कारण। कौन सी दुकान है ये हमेशा जाम लगता है? सभी दुकानें, बैंक भी है और भी दुकानें हैं बड़ी बड़ी। सभी बड़े बड़े ट्रक आते हैं इसके बारे में? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी दुकान है इसलिए। ताज़ातरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एनटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर एनटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहें हर